हाँ जी, हुण अज असीं गल करांगे रूल नंबर 34 दे बारे। रूल नंबर 34 दे विच बेसिकली की हैगा, ए उहनां कॉन्ट्रैक्ट दी गल कीती गई आ जो कि कंटिजेंट बन जांदे ने व्हेन इवेंट टू बी डीम्ड इम्पॉसिबल। जिहड़ियां चीज़ां इम्पॉसिबल होंदियां, फॉर एग्जाम्पल दे तौर दे उत्ते ए ने एग्री कीता कि बी मैं तेनूं कुछ पैसे दूंगा अगर तू सी दे नाल विआह कर ले। सी ने डी दे नाल विआह कर लिया, सी दे ने डी दे नाल विआह कर लिया, ते हुण वैदर इट इज़ पॉसिबल कि बी ते सी दा विआह हो जाए। हाँ, हो सकदा वा अगर कल सी ते डी दा डाइवोर्स हो जाए ते जां कल डी मर जाए ते फिर तां हो सकदा है, बट नॉर्मली इट बिकम्स इम्पॉसिबल। तो कहन दा मतलब ये हैगा ए, इफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिजेंट अपॉन हाउ ए परसन विल एक्ट एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट हैगा वा कंडीशनल हैगा ये कि एक व्यक्ति एक अनस्पेसिफाइड टाइम के उत्ते किस तरीके नाल एक्ट करेगा। द इवेंट शैल बी कंसिडर टू बिकम इम्पॉसिबल। उस इवेंट नूं आपां इम्पॉसिबल उदों मन्ना है When such person does anything which render it impossible that he should do so act within any definite time। वो एक पर्टिकुलर टाइम दे विच एक काम हुण नहीं कर सकता। हाउ ही कैन मैरी विद सी। हुण बी किदा बेचारा सी दे नाल विआह कर लवे जे सी दी शादी डी दे नाल हो गई है। तो इस टाइम दे उत्ते जो इवेंट आ वो एक इम्पॉसिबल इवेंट बन गया है, दैन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड बिटवीन ए एंड बी। वैन द कॉन्ट्रैक्ट वॉज मेड इट वॉज वैलिड। उस टाइम के उत्ते सी कुंवारी सी, पर इस तो पहला कि एक हफ्ते दे विच बी सी दे नाल शादी करता, अगर एक महीने एक हफ्ते का टाइम आ सी ने डी दे नाल शादी कर ली, दैन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स बिटवीन ए एंड बी वॉइड। ए ते बी दे दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट आ वो वॉइड बन जूगा अंडर सैक्शन नंबर 34। चौथे नंबर के उत्ते की आ, वो कॉन्ट्रैक्ट जेडे कि एक कंटिजेंट हैगे ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन ए फिक्स्ड पीरियड। कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट एज हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट विद इन अ फिक्स्ड टाइम बिकम्स वॉइड इफ एट द एक्सपायरेशन ऑफ टाइम फिक्स्ड सच इवेंट हैज नॉट हैपेंड और इफ बिफोर द टाइम फिक्स्ड सच इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। सेक्शन 35 पैरा नंबर 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ कि एक पहला एग्जाम्पल मैं समझाना, एग्जाम्पल के नाल ज्यादा क्लैरीफाई होगा, जल्दी क्लैरीफाई होगा। ए ने प्रोमिस किया कि मैं एक सम ऑफ मनी तुहानू पे करूंगा इफ ए सर्टन शिप रिटर्न विद इन अ ईयर। अगर एक पर्टिकुलर किस्ती एक साल के वापस आ जाती है तो मैं तुहानू कुछ पैसे पे करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्स हो सकता है कि अगर वह किस्ती एक साल के वापस आ जाती है, पर अगर वो जिहड़ी किस्ती एक साल दे विच बर्नट हो जाती उत्थे डुब जाती है ते जो एक साल दे विच वापस नहीं आती, इहदा मतलब वह अनसर्टन फ्यूचर ईवेंट हैपन नहीं होया। अगर वह अनसर्टन फ्यूचर ईवेंट हैपन नहीं हुंदा तो कॉन्ट्रैक्ट की बन जूगा, वॉइड बन जूगा बिटवीन द पार्टीज, क्योंकि वह कॉन्ट्रैक्ट ने विद इन द फिक्स पीरियड वापरना सी। उस ईवेंट ने अगर एक साल दे विच किस्ती वापस आ जाती दैन ए ने बी नू वो सम ऑफ मनी पे करने। मान लो फॉर एग्जाम्पल एक खरीददार आ, एक बिजनेसमैन हैगा है, उन कुछ समान चाहिए है, ठीक है, तो उन्हें एक टाइम पीरियड मैनशन कर दिता कि अगर एक हफ्ते में तुम मैं डिलीवरी कर देंगे हो दैन आई विल पे दिस अमाउंट ऑफ मनी टू यू, अगर एक हफ्ते डिलीवरी नहीं करते तो मैं कोई तुम्हें पैसे नहीं पे करने। यदा मतलब अगर एक हफ्ते में समान आ जाता है दैन ही विल बी लाइबल टू पे दैट अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पार्टी, बट अगर एक हफ्ते में समान नहीं आता ज एक हफ्ते दे तो पहला पहला वह समान नष्ट हो जाता है दैन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। उस तो बाद असी अगली गल करते हैं सैक्शन नंबर 35 पैरा नंबर 2 दे। कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट एज ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ एन ईवेंट विद इन द फिक्स पीरियड। मैं पहला इलस्ट्रेशन पढ़ाऊंगा उस तो बाद मैं तो बेयर लैंग्वेज पढ़ाऊंगा। ए ने प्रोमिस किया बी दे नाल कि मैं तेनों एक सम ऑफ मनी दूंगा इफ ए सर्टन शिप डज नॉट रिटर्न विद इन अ ईयर। मान लो अगर एक पर्टिकुलर शिप एक साल के वापस नहीं आती मैं तो पैसे दूंगा।
उस कॉन्ट्रैक्ट नू इनफोर्स किया जा सकता है उस टाइम जिदा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के विच अगर वो शिप एक साल दे विच नहीं आती तो जां एक साल पूरा होने तो पहला पहला वो रस्ते दे विच डुब जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होएगा। ठीक है जी, मतलब ये कहदे उत्ते डिपेंड सी नॉन हैपनिंग दे उत्ते, अगर वो नॉन हैपनिंग पहले ही क्लीयर हो जाती है तो इट विल बी इनफोर्सेबल। अगर मान लो शिप वापस आ जाती है देन कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी परफॉर्म, फिर वो वॉइड बन जाऊगा। कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड अनसर्टन इवेंट विद इन अ फिक्सड टाइम, अगर एक इदा का कॉन्ट्रैक्ट है जेडे कि एक स्पेसिफाइड अनसर्टन इवेंट की नॉन हैपनिंग के उत्ते डिपेंड करता है, जिहड़ी नॉन हैपनिंग एक फिक्सड टाइम पीरियड के विच होनी है, उस कॉन्ट्रैक्ट नू इनफोर्स करवाया जा सकता है व्हेन द टाइम फिक्सड हैज एक्सपायर्ड। अगर एक टाइम फिक्स किया सी वो खत्म हो गया है एंड सच इवेंट हैज नॉट हैपन्ड, अगर वो इवेंट अजे हैपन नहीं होया और बिफोर द टाइम पीरियड हैज एक्सपायर्ड, इस तो पहला कि वो टाइम खत्म होंदा, इफ इट बिकम सर्टन डेट सच इवेंट विल नॉट हैपन, जिदा कि किस्ती डुब गई सी। ठीक है जी, सो इट विल बी इनफोर्सेबल ता होएगा जे वो इवेंट फ्यूचर इवेंट नहीं होंदा। उस तो बाद विच गल करते हैं एग्रीमेंट कंटिजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट। हुण गल ये होंदी है जिहड़े इवेंट ही इम्पॉसिबल आ जिन्हां नूं कदी परफॉर्म किया ही नहीं जा सकता, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग। अगर कोई कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है अगर किसी इदा की चीज़ को करने के लिए या ना करने के लिए वो जुड़िया होया है, इफ एन इम्पॉसिबल ईवेंट हैपन, अगर कोई इम्पॉसिबल ईवेंट होंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं गुरमिंदर थोड़े न प्रोमिस करता वा कि मैं तू 10,000 रुपये दूंगा अगर तुसी कल जादू के नाल एक मंजिल मेरी होर बना दो मकान की, इट कैन नॉट बी हैपन, ये इम्पॉसिबल ईवेंट आ, चाहे हैपन होवे चाहे ना होवे, यदि हैपनिंग के उत्ते करा चाहे नॉन हैपनिंग के उत्ते करा ये हमेशा वॉइड होगा। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपन आर वॉइड वेदर द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द इवेंट इज नॉन नॉन और नॉट नॉन टू द पार्टीज टू द एग्रीमेंट एट द टाइम इट इज मेड। सैक्शन 36 के विच ये गल आ। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी एग्जाम्पल मैं ये पढ़ा लगा वा जी, ए ने एग्री किया कि मैं बी तेन 1,000 रुपये दूंगा अगर तू ए दी डॉटर दे नाल शादी कर लवे सी दे नाल, मतलब ए सी दा बाप सी, उन्हें कहा कि मैं तुहानू 1,000 रुपये दूंगा दहेजे तौर दे उत्ते दूंगा अगर तुसी मेरी लड़की नाल शादी कर लेंदे हो, पर एक गल हैगी आ बेचारी लड़की एग्रीमेंट दे टाइम दे उत्ते मरी हुई सी, बाबुल नू पता ही नहीं सी कि मेरी लड़की मर गई हुई है, तो इहदा मतलब ये इंपॉसीबल गल हैगी है, एक मरे हुए इंसान दे नाल किद्दां शादी की जा सकती है, ये एग्रीमेंट वॉइड हैगा वा पहली गल। तो दूजे नंबर के उत्ते अगर ए बी नू कहिंदा कि मैं तैनू 1,000 रुपये दूंगा अगर दो स्ट्रेट लाइना नू शुड इनकलोज स्पेस, वो एग्रीमेंट जिहड़ा वा वॉइड एग्रीमेंट हैगा वा। ठीक है, सो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के इफेक्ट की होंगे ने, हुण आपां इहदे बारे पढ़ते हैं। द कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर एज गुड एज अदर कॉन्ट्रैक्ट, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी उन्ने ही वधिया ने जिदा कि एबसोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट वधिया ने, दो दे आर इनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ ओनली अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ ए फ्यूचर अनसर्टन इवेंट, चाहे इन्हों परफॉर्म ता ही किया जा सकता है कि अगर कोई अनसर्टन फ्यूचर इवेंट हैपन या नॉन हैपन होंगे। वैन द इवेंट हैपन, अगर वो इवेंट हैपन होगा द कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑल परपज रेस्ट ऑन द सेम फुटिंग एज इफ इट वॉज मेड पॉजिटिवली एंड विदाउट रेफरेंस टू एनी कंटीजेंसी। तो कल अगर वो इवेंट हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस कंपनी एक फायर इंश्योरेंस करती है कि अगर तुहाडे घर नूं अग लग जाती है दैन वी विल पे यू अ सम ऑफ रुपीज 10 लाख। ठीक है, अगर तुहाडे घर अग लग जाती है दैन इंश्योरेंस कंपनी विल बी लाइबल टू पे यू रुपीज 10 लाख। सो दिस इज द कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज फुल्ली इनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। हाँ, अगर नहीं लगती दैन कोई गल नहीं, बहुत वधिया गल आ, फिर तो वधाई है तुहाडे घर नूं अग नहीं लगी। सो दिस इज समथिंग अबाउट द इफेक्ट ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। असी पिछले लैक्चर दे विच पढ़िया सी वेजरिंग एग्रीमेंट की हुंदा है, अज असी पढ़िया कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की हैगा है, बट दोनों दे विच डिफरेंस की हैगा है, दोनों दे विच डिफरेंस हैगा है। तो पहला की है परफॉर्मेंस, द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस डिपेंड ऑन द नॉन हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टन इवेंट। एक वेजरिंग एग्रीमेंट दे विच अगर कोई अनसर्टन इवेंट हैपन हुंदा है तो वो उत्ते डिपेंड करती है परफॉर्मेंस।
जबकि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की जी परफॉर्मेंस हैगी है वो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के उत्ते डिपेंड करती है, जो कि फ्यूचर अनसर्टन इवेंट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के नाल कोलेटरल हैगा वा। कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं हैगा बट कॉन्ट्रैक्ट के नाल जुड़िया होया है। जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट के विच की है वो अनसर्टन इवेंट जिहड़ा वा वो कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट हैगा सी। दूसरे नंबर के उत्ते जो डिफरेंस हैगा है, समझ लग रही है जी? किसी को अगर कोई क्वेश्चन हैगा तो मैंने पूछ भी सकते हो। बहुत इंटेलिजेंट है, कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। नंबर दो देखो, इंटरेस्ट वेजरिंग एग्रीमेंट दे विच जो जो इवेंट हैगा वा, मी आऊगा या नहीं आऊगा, अज ही मैं तुहानू सवेरे पढ़ाया ही, उहदे विच किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई किसी ने फसल नहीं बीजनी, सिर्फ सट्टेबाजी लाई है, बैट लाई है, एक पार्टी जीतूगी तो दूजी पार्टी एक हारूगी। द पार्टीज हैव नो इंटरेस्ट इन द अकुरेंस ऑफ द इवेंट एग्जेप्ट फॉर विनिंग और लॉसिंग द बेट अमाउंट इन वेजरिंग एग्रीमेंट। जबकि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के विच सचमुच पार्टीज का रियल इंटरेस्ट होंगे है, मतलब इंश्योरेबल इंटरेस्ट होंगे प्रॉपर्टी के विच। इंश्योरेंस एग्रीमेंट के विच की है, एक पार्टी दूजी पार्टी नू इंश्योरेंस कंपनी नू आपां प्रीमियम भी तो पे करते हैं ना, प्रीमियम पे करने के बदले के विच वो कहते हैं कि कल अगर फॉर एग्जाम्पल तुहाड़ी शिप नहीं वापस आती जो तुहाड़े घर नू अग ला जाती है या तुसी कल बीमार हो जाते हो, दैन वी विल पे दिस अमाउंट टू यू। यदा मतलब कि इंटरस्ट तो इनवॉल्व हैगा, जि विच इज़ कॉल्ड इंश्योरेबल इंटरस्ट, जिसनों असी इंश्योरेबल इंटरस्ट कहने हैं। हुण वेजरिंग एग्रीमेंट के अनसर्टन ईवेंट केड़ा हुंदा है? द फ्यूचर अनसर्टन ईवेंट इज अ सोल डिटरमिनिंग फैक्टर ऑफ द एग्रीमेंट। तो पूरे के पूरा एग्रीमेंट उस फ्यूचर अनसर्टन ईवेंट के आले दुआले घूमता पे है, जबकि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के विच जिहड़ा फ्यूचर अनसर्टन ईवेंट एक कोलेटरल ईवेंट होंदा, कॉन्ट्रैक्ट का मेन पार्ट नहीं होंदा। वेजरिंग एग्रीमेंट की अगर अपन नेचर देखिए, ये सिर्फ तो सिर्फ कंटिजेंसी दे उत्ते डिपेंड आ, एक शर्त दे उत्ते डिपेंड आ, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ कंटिजेंसी इन वेजरिंग एग्रीमेंट। हुण जबकि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के विच की आ, वाइल कंटीजेंसी कॉन्ट्रैक्ट डू नॉट कंटेन एनी एलीमेंट ऑफ वेजर, ये कोई शर्त नहीं होंगी आ तेरे मतलब कि घर अग लगनी लगनी है। जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट के आप शर्त लाने हैं कि अज तो मी आना ही आना वा, जबकि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के गल कहने कि अगर मान लो मीह के नाल तुहाडी फसल खराब हो जाती है दैन वी विल पे दिस अमाउंट टू यू। तो वेजरिंग एग्रीमेंट समाज के फायदे लिए नहीं है, जबकि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट समाज में सेव करन दे पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल हैगे आ। वेजरिंग एग्रीमेंट पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हैगे ने, जबकि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक पॉलिसी की फेवर च हैगे ने। वैलिडिटी की गल करिए तो वेजरिंग एग्रीमेंट एब्सोल्यूटली वॉइड होंगे आ, जबकि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होंगे। सो दिस इज समथिंग अबाउट द प्रेजेंट चैप्टर। तो परमात्मा की मेहर अपना यह चैप्टर कंप्लीट हो गया है।